अगेन अगेन सेम चीज से स्टार्ट करते हैं। मैं कैसे पब्लिक आईपी एड्रेस निकालने, फिर सिंपली मान लो मैं कैसे एक्टिव होस्ट की आईपी एड्रेस निकालने, वहाँ पे अगेन सेम कमांड यूज करने वाला हूँ मैं यहाँ पर भी। अगेन गोविंद सुपर सूडो ए आर पी स्कैन एंड हाइफन हेल्प प्रॉपर नेटवर्क के लिए, एंड सिंपल करते हैं आर पैकेट को ब्रॉडकास्ट, और हमें यहाँ पे मिलते हैं कुछ आईपी एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर सिंपल एज वी ऑल नो 1.1 गेटवे है मेरा, 1.2 मेरा अगेन गेटवे है, 254 यहाँ पर मेरा सिंपल ब्रॉडकास्ट के लिए यूज हो रहा है। तो बचे कौन से, 1.6 और 1.11। मैं सिंपल एक फाइल के अंदर नोट कर लेते हैं, लेट्स गो विद टेक्स्ट एडिटर। तो मैं नोट कर रहा हूँ आईपी एड्रेस 192.168.1.9 तो है नहीं, 1.1.1.2 वो भी नहीं है, ठीक है, एंड 1.1.11 तो दो ही आईपी एड्रेसेस हमारे पास यहाँ पर, बाकी सब तो कोई गेटवे है तो कोई ब्रॉडकास्ट के लिए भी खुला है। बचे ये दो, इन्हें कर लेते हैं सेव एक फाइल के अंदर विद द नेम ip.txt, कि हमारे नेटवर्क के अंदर सिर्फ यही दो मशीन्स एक्टिव हैं, मेरे अलावा मेरे मशीन के अलावा सिर्फ यही दो मशीन्स एक्टिव हैं, उनका आईपी एड्रेसेस है ये, बाकी मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता वहाँ पर मशीन्स के बारे में, कुछ भी नहीं पता मुझे ना। एक सिंपल कमांड जो हम जनरली यूज करते हैं, वो जो सिंपल पिंग, हम पिंग को जनरली यूज करते हैं मशीन्स को चेक करने के लिए कि मशीन एक्टिव है या नहीं है। अगर सिंपल पिंग करता हूँ 1.6 को, तो अगेन मुझे कुछ सिंपल रिप्लाई मिल रहा है यहाँ पर। आप इस रिप्लाई की हेल्प से भी सिंपल प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है या लाइनेक्स है, बिकॉज ऑफ योर टीटीएल वैल्यू। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए आपकी टीटीएल वैल्यू डिफाइंड है वहाँ पर। अगर सिंपल पिंग करता हूँ 1.11 को, क्योंकि मुझे अभी डिफरेंट टीटीएल वैल्यू मिल रही है, मुझे यहाँ वैल्यू मिली 64, तो मुझे यहाँ वैल्यू मिली है 128। अगर बात करो सिंपल विंडोज की, तो विंडोज एक्सपी के बाद विंडोज एक्सपी में भी बाई डिफॉल्ट ऑफ 128 ही था वैसे तो, बट अगेन विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1 और विंडोज 10, इन सभी में आपको टीटीएल वैल्यू 128 ही देखने को मिलती है। इफ़ यू वांट यू कैन चेंज इट, इफ़ यू वांट यू कैन चेंज इट, बट डिफॉल्ट आपको यही देखने को मिलती है 128, राइट। एंड इफ आई गो विद द लाइनक्स, तो लाइनक्स में डिफॉल्ट टीटीएल वैल्यू देखने को मिलती है 64। दिस वाज योर डिफॉल्ट टीटीएल वैल्यू फॉर योर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और इफ यू वांट टू गेट TTL होता क्या है वैसे? तो सिंपल बताऊं तो ये मान लो नेटवर्क डायग्राम याद है हमारे, एक यहाँ पर है कोई, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और एक यहाँ पर, मान लो इन्हें जोड़ दो, एक से ये इससे कोई इससे जोड़ दो, ये हो गया यहाँ पर और ये हो गया यहाँ पर। ऑलराइट, अगर मान लो ये है मेरी मशीन M1, ठीक है, और ये है मेरी मशीन M6, राइट। अब M1 को कोई मैसेज भेजना है M6 के पास, राइट, तो मैसेज के साथ साथ आप एक डिफॉल्ट हेडर यूज करते हो, उसका बोलते हैं TTL, लेकिन सब यूज क्या है वो समझो। मान लो TTL की वैल्यू यहाँ पर मैंने रखी 5, मैंने खुद से TTL वैल्यू रखी 5 यहाँ पर, ठीक है। अब जब मेरा मैसेज यहाँ से रिलीज होगा M1 से, तो मैसेज पहले कहाँ जाएगा, इस पर्टिकुलर मशीन M2 के पास, राइट। दिस वॉज माई फर्स्ट होस्ट जिसके पास मेरा पैकेट पहुंचा है, राइट, बट ये पैकेट इस मशीन के लिए नहीं है, राइट, तो मेरी ये मशीन पैकेट को एक्सेप्ट नहीं करेगी और सिंपल आगे फॉरवर्ड कर देगी, राइट। तो जैसे ही मेरा पैकेट यहाँ पहुंचेगा, ये M2 मशीन TTL वैल्यू में से एक कम कर देगी। तो मान लो यहाँ पर मैं मशीन पहुंचा M2 के पास, यहाँ मेरी TTL वैल्यू हो गई कुछ 4, ठीक है। अब मान लो मैसेज मेरा पहुंचा यहाँ पर M3 के पास, अगेन सेम टास्क यहाँ परफॉर्म होगा, मान लो यहाँ टीटीएल वैल्यू हो गई कुछ 3, ठीक है, सेम टास्क यहाँ पर M4, और टीटीएल वैल्यू क्या बन गई 2, मान लो यहाँ सेम पहुंचा, टीटीएल वैल्यू यहाँ क्या बनी 1, और यहाँ पहुंच, यहाँ टीटीएल वैल्यू क्या बन गई TTL=2। नाउ द पॉइंट इज, पॉइंट क्या टीटीएल का वो समझो, अगर आपकी जैसे ही वैल्यू 0 होगी TTL की, आपकी ये मशीन M6 उस पैकेट को कर देगी डिस्कार्ड। अगर वो पैकेट इस M6 के लिए नहीं है, मान लो कोई मशीन और ले लेते हैं, ये मान लो यहाँ पर है, ठीक है, आपको पैकेट भेजना था M1 से M7 पे, ठीक है, राइट, लेकिन जैसे ही पैकेट पहुंचा M6 के पास, तो TTL वैल्यू वहाँ हो गई 0, राइट, TTL वैल्यू वहाँ हो गई 0, और 0 होते ही M6 उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगी, नहीं, पैकेट को वहीं डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ताकि
नेटवर्क के अंदर कंजेशन ना बने, अगर टीटीएल को आप यूज नहीं करते इन दैट केस आपके जो पैकेट्स है, अगर मतलब पैकेट किसी भी रीजन से यहाँ M7 के पास नहीं पहुंचा राइट, तो वो सिर्फ मशीन के बीच में यहाँ वहां भटकता रहेगा, जिसके कारण नेटवर्क कंजेशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं राइट। नेटवर्क में एक्स्ट्रा ट्रैफिक फ्लो करता रहेगा, नेटवर्क कंजेशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं वहां पर। इस चीज को अवॉइड करने के लिए जनरली यूज TTL वैल्यू। अगर आपकी मशीन आपका जो पैकेट है वो इन इतने नंबर ऑफ मशीन के पास जाने के बाद भी अगर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है तो का पैकेट वही डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अगर 5 मशीन्स को ट्रेवर्स करने के बाद आपका पैकेट आपके डेस्टिनेशन के पास नहीं पहुंचा है, आपकी फाइनल मशीन के पास M7 के पास नहीं पहुंचा है, तो पैकेट अपने आप डिस्कार्ड हो जाएगा वहां पे। इस वाज द बेसिक फंक्शनैलिटी फॉर योर TTL वैल्यू। इसका बोलते हैं टाइम टू लिव। आपका पैकेट कितनी मशीन के लिए एक्टिव रहेगा वहां पर, कितनी मशीन के लिए आपका पैकेट वहां पर जिंदा रहेगा, ये मान लो इसको आप बोलते हो टाइम टू लिव। Short form is TTL. Time to live. कितनी machines के लिए आपका packet active alive रहेगा वहाँ पर? इन machines को आप बोलते हो hops. Hop. इनको generally hops में count करते हो। ये आपकी first hop है, ये second, ये third, ये fourth और ये fifth. यहाँ पर fifth के बाद again, because हर machine से TTL value के अंदर से एक minus हो रहा है, यहाँ जब माइनस हो वैल्यू क्या आ गई, जीरो। और जीरो आते ही आपकी मशीन पैकेट को डिस्कार्ड कर देगी वहीं तो वहीं, आगे फॉरवर्ड ही नहीं होगा, पैकेट वहीं ड्रॉप वहीं फ्लश, सिंपल कुछ ही मान लो राइट, ताकि नेटवर्क के अंदर कंजेशन ना बने। ठीक है, नाउ विंडोज का डिफॉल्ट टीटीएल वैल्यू क्या है? 128 फॉर विंडोज टीटीएल वैल्यू है 128। इफ आई गो विद लिनक्स, यहाँ टीटीएल वैल्यू है डिफॉल्ट आपका 64। If I go with the Mac, Mac के लिए मुझे याद नहीं, let's give it a check, check कर लेते हैं। 32 हो सकता है sir. क्या? 32 हो सकता है। नहीं 32 नहीं है पाजी, 60 या फिर ऐसा ही कुछ है, 60 या शायद, अगर गलत नहीं तो ऊपर चेक कर लेते हैं। Different OS and their TTL values. कोई भी लिंक ओपन कर लो और यहाँ सर्च कर लेते हैं मैक, यहाँ 60 है, 60 हाँ, 60 और 64 फिर दोनों ही होते हैं, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन योर वर्जन, क्या कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो राइट। बट 60 भी यूज होता है तो 64 भी यूज होता है। प्रॉपर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट है यहाँ पर, डिपेंडिंग ऑन योर कर्नल, कर्नल के अकॉर्डिंग भी कितने यहाँ पर डिफरेंट है फॉर योर लिनक्स राइट। विंडोज के लिए आपको लास्ट में मिलेगा, विंडोज 98 में 32 था, विंडोज NT 3.51 में 32 है, अगेन 98 में, एक बार के लिए 128 भी हुआ है, 98 SE के अंदर 128 भी हुआ है वहाँ पर, देन सर्वर प्रो XP के अंदर 128 है वहाँ पर, अगेन विस्टा के अंदर भी 128 है, 7 सर्वर और 10 सभी में 128 भी। तो ये ICMP क्या है? कितने पाजी? ICMP, TCP, UDP के पास मुझे जी ICMP आपके सर्विस प्रोटोकॉल का नाम मान लो, आप जब भी पिंग करते हो पर्टिकुलर पैकेट ब्रॉडकास्ट होता है उसको आप बोलते हो ICMP पैकेट। आप जब भी पिंग करते हो एक ICMP रिक्वेस्ट जनरेट होती है आपकी मशीन से और आपकी रिक्वेस्ट पहुंचती है आपके सर्वर के पास। स्टैंड्स फॉर द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आप सिंपल पिंग जब भी करते हो यही ICMP सर्विस यूज होती है। इसको आप बोलते हो एको, इसको एको भी बोलते हैं बहुत बार, इसको एको रिक्वेस्ट एको रिप्लाई भी बोलते हैं। मैं सिंपल चेक करता हूँ विद माय वायर शार्क, अब वहाँ पर एको ही देखने को मिलेगा, सिंपल ICMP भी मिल सकता है। लेट्स गिव इट अ चेक, बट अगेन पिंग में हमेशा आपकी यही ICMP पैकेट्स यूज आते हैं। सिंपल करते हैं पिंग, यही कमांड ले जाते हैं 1.11 के लिए, सेम पैकेट्स जा रहे हैं यहाँ पे, कुछ कैप्चरिंग करते हैं एक बार के लिए स्टॉप, यहाँ मेरे कुछ पैकेट्स गए हैं वाशर में कैप्चर हुए होंगे फॉर शोर। एक फिल्टर अप्लाई करते हैं ICMP के लिए और मुझे यहाँ पे मिले हैं एको पिंग रिक्वेस्ट और एको पिंग रिप्लाई राइट। इसके नाम मल्टीपल है, अगेन अब इसको एको बोलो तो ICMP बोलते हैं, यहाँ पर सिंपल मैसेज रिक्वेस्ट यूज होते हैं ICMP के अंदर, फिर डिफरेंट मैसेज रिक्वेस्ट मैसेज कोड्स बोलते हैं उनको,
अगर मैसेज कोड आपका 8 यूज हुआ है देन वी कॉल इट एको रिक्वेस्ट, अगर 0 यूज हुआ है वी कॉल इट एको रिक्वेस्ट एको रिप्लाई। अगेन मैसेज कोड्स हैं बट अब उसको ICMP प्रोटोकॉल ही बोलते हैं, राइट, क्योंकि आप जनरली पिंग के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? या सिंपल TTL की वैल्यू से ही आप OS को प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैं सिंपल प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि विंडोज चल रहा है, बट विंडोज के तो बहुत से वर्जन है, उसका क्या, राइट? वो चीजें हम आगे कवर करेंगे, कैसे आप एग्जैक्ट OS निकाल सकते हो, राइट, बट यू कैन गिव इट अ प्रिडिक्शन फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ अदर देन दिस सिंपल पिंग कमांड, इफ आई गो विद द फर्स्ट और द मोस्ट कंप्लीट स्कैनर यू कैन से फॉर योर नेटवर्क machines, that was your nmap. nmap ke alawa bahut se network scanning tools hain, but again nmap is one of the most old, you can say the purana bhi yahi hai, sabse behtar bhi yahi hai aapka, isko aap bolte network mapper, and its complete name hai network mapper, ye bhi yaad rakhna, right? So nmap se behtar tool abhi tak to nahi hai sir network ke liye, aur bahut se tools aise bhi hain jo ki nmap ko hi use karte hain back end pe, आपको उनका जो फ्रंट एंड जो यूजर इंटरफेस है वो डिफरेंट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो कम्प्लीटली GUI बेस्ड है, बट एट द एंड बैक एंड पे आपकी nmap की कमांड्स ही एग्जीक्यूट हो रही है वहाँ पर, क्योंकि आपको नहीं दिख रही, बट आपको सिंपल एक फ्रेम दिख रहा है बाहर, आपको एक यूजर इंटरफेस मिल रहा है वहाँ पर, बट आपका nmap कम्प्लीट GUI बेस्ड भी आता है, कम्प्लीट UI आपका CLI बेस्ड भी आता है, राइट? इसका GUI जो वर्जन था वो अब पिछले एक साल से उसके लिए कोई अपडेट नहीं मिल रहा है आपको, अब लाइनक्स के लिए वो नहीं आता, राइट? बट इफ यू वांट यू कैन यूज nmap फॉर योर विंडोज, इसका तो GUI वर्जन है उसको आप बोलते हो Zenmap, nmap का GUI वर्जन है उसको आप बोलते हो Zenmap, आपको इजीली वो दोनों ही टूल अवेलेबल हो जाते हैं फॉर योर वेबसाइट, सर्च कर लो nmap.org के नाम से। ये भी दिया ये जो जो ऑफिशियल वेबसाइट nmap.org, राइट? आपको यहाँ पर दोनों टूल अवेलेबल होते हैं फॉर योर nmap एज वेल एज Zenmap, बट Zenmap अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका विंडोज के लिए मिलता है, ओनली फॉर योर विंडोज, राइट? और इसका लिनक्स का सिर्फ RPM वर्जन आता है, इफ यू वांट इसका डेबियन पैकेज अब नहीं आ रहा, पहले आता था, तो डेबियन पैकेज अब नहीं आता, पहले आता था, बट इफ यू वांट यू कैन इंस्टॉल द RPM पैकेज इन लिनक्स एज वेल इन डेबियन बेस्ड लिनक्स एज वेल, बट अगेन कुछ डिपेंडेंसीज आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी खुद से, राइट? बट यू कैन यूज दिस वन हियर, और इफ यू वांट यू कैन गो विद दिस GUI वर्जन फॉर द nmap, बट वहां पर भी एट द एंड आपको nmap की ही कमांड एग्जीक्यूट करनी होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द nmap हियर, मैं जस्ट सिंपल टाइप करता हूँ nmap एंड एंटर प्रेस करता हूँ, मुझे प्रॉपर लिस्ट मिलती है कमांड्स की जिनको मैं यूज कर सकता हूँ विद माय nmap। द सिंपलेस्ट कमांड वाज योर nmap एंड कोई भी IP एड्रेस यहाँ पे पास कर दो, राइट? यहाँ पर आपका nmap ऑटोमेटिकली वहाँ पर पोर्ट्स को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है, बट nmap बाय डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ 1000 कॉमन पोर्ट्स को ही स्कैन करता है, राइट? इफ यू वांट कि आपको और ज्यादा पोर्ट्स स्कैन करने हो, इफ यू वांट कि मुझे सारे पोर्ट्स स्कैन करने हैं, राइट? मुझे सिर्फ कॉमन 1000 पोर्ट्स को स्कैन नहीं करने, बिकॉज वी नो 65536 पोर्ट्स होते हैं हमारे पास, राइट? उनमें से सिर्फ अगर कॉमन 1000 पोर्ट्स स्कैन हो रहे हैं, बट बाकी जो बच गए उनका क्या, मुझे अगर वो भी स्कैन करने हो, इन दैट केस सिंपल कमांड एग्जीक्यूट करूंगा nmap-t, मैं यूज कर रहा हूँ पोर्ट्स को स्पेसिफाई करने के लिए। आप पोर्ट्स के लिए हमेशा -t यूज करते हो, चाहे एक सिंगल पोर्ट नंबर देना हो, पोर्ट की रेंज देनी हो, मल्टीपल पोर्ट्स देने हो, आप हमेशा -t को यूज करते हो। लेट्स से मुझे सिंपल पोर्ट नंबर 80 स्कैन करना है एंटर स्कोर, तो उसके अलावा मुझे और कोई पोर्ट स्कैन करना ही नहीं, इन दैट केस सिंपल आप -p यूज करते हो, पोर्ट नंबर लिखते हो, एंड देन सिंपल आपका IP एड्रेस पास कर देते हो यहाँ पर, एंड दैट्स ऑल। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोर्ट नंबर 80 टेस्ट होगा एंटर स्कोर, राइट? नाउ इफ आई गो विद सिंपल रिजल्ट्स फॉर द nmap, के रिजल्ट्स के अंदर आपको तीन चीज हमेशा मिलती है फॉर योर nmap, दैट वाज योर पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर कौन सा है, बट अगेन एक और चीज, nmap बाय डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ TCP के पोर्ट्स को ही स्कैन करता है, यहाँ पर UDP के पोर्ट स्कैन नहीं होते, बाय डिफॉल्ट नहीं होते, राइट? इफ यू वांट यू कैन स्कैन, वो हम आगे कवर अप करेंगे। इफ यू वांट यू कैन स्कैन,
बट बाय डिफॉल्ट अपना सिंपल टीसीपी ही स्कैन होता है राइट। सेकंड थिंग वाज योर स्टेट, स्टेट आपको सिंपल एक्सप्लेन करना है कि पोर्ट आपका ओपन है, क्लोज है या वो फिल्टर्ड है। फिल्टर्ड का मतलब है कि आपके वहां पर कोई फायरवॉल अनेबल है जो कि आपके पैकेट्स को ब्लॉक कर रही है वहां पर राइट। अगर फायरवॉल अनेबल्ड है बट आपके पोर्ट ओपन भी हो सकता है, मान लो पोर्ट ओपन हो क्लोज हो वो अलग बात है, पोर्ट आपकी मशीन के ऊपर काम कर रहा है राइट। लेकिन मशीन के ऊपर भी आपकी एक फायरवॉल काम कर रही है राइट, तो आपका पैकेट पहले जाएगा पहले फायरवॉल के पास, देन फायरवॉल से पैकेट जाएगा आपकी मशीन के पास राइट। तो मान लो जो पोर्ट है आपका, उस पोर्ट के ऊपर एक लेयर है सिंपल, उस लेयर को आप बोल रहे हो फायरवॉल। अगर पैकेट को फायरवॉल ब्लॉक कर देगी तो कभी भी चेक नहीं कर पाओगे कि जो पैकेट वो बैकग्राउंड में काम कर रहा था वो रनिंग स्टेट में है या फिर क्लोज स्टेट में है राइट। इन दैट केस आपको हमेशा रिजल्ट मिलता है फिल्टर्ड। फिल्टर्ड का मीनिंग है आपका पैकेट वहां फायरवॉल से ड्रॉप हुआ है राइट। अब चेक कैसे करोगे कि फायरवॉल काम कर रही है नहीं कर रही है, इसका सिंपलेस्ट मेथड क्या है? उसके लिए आप हमेशा वायर शार्क की हेल्प ले लो, उससे बढ़िया ऑप्शन वही बचता है राइट। बिकॉज अगर आपके फायरवॉल पैकेट्स को ड्रॉप कर रही है तो इनके साथ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। आप पैकेट्स भेजते रहो, फायरवॉल पैकेट्स ड्रॉप करती रहेगी वहां पर, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। बिकॉज वी ऑल नो मैंने जो सिंपल बताया था टीसीपी 3-way हैंडशेक, तो मैंने बताया था कि अगर कनेक्शन अलाउड होगा तो हमें मिलता है सिंपल सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट राइट। अगर कनेक्शन अलाउड नहीं होगा तो हमें मिलता है सिंपल रीसेट प्लस एक्नॉलेजमेंट। बट अगेन रिस्पॉन्स तो आ रहा है, अलाउ है नहीं है वो बाद की बात है, बट रिस्पॉन्स आ रहा है वहां पर। बट अगेन फायरवॉल अगर काम कर रही है, पैकेट्स को ड्रॉप कर रही है, तो रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा उस केस में, तो समझ रहे हो। अगर रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है मतलब फायरवॉल वहां पर एक्टिवेट है, आपके पैकेट्स वहां पर ड्रॉप हो रहे हैं बाय योर फायरवॉल्स राइट। नाउ इफ आई गो विद द थर्ड थिंग दैट वाज योर बेसिक सर्विस, इस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर कौन सी सर्विस काम कर रही है राइट। पोर्ट 80 पे भी ऑल नो हाई डिफॉल्ट की HTTP सर्विस ही काम करती है राइट। नाउ सेम चीजें यहां पर भी है, पोर्ट 135 TCP पोर्ट है ये, स्टेट आपकी ओपन है, यहां पर सर्विस आपकी MS RPC सिंपल RPC सर्विस काम कर रही है। जबकि ये पोर्ट 135 का जनरली RPC के लिए होता है, रिमोट प्रोसीजर कॉल के लिए इसको बोलते हो, माइक्रोसॉफ्ट RPC भी बोलते हैं इसका नाम राइट। देन 139 आप जनरली नेट बायोस के लिए यूज करते हो। देन 1445 आपका सिंपल SMB सर्विस के लिए यूज होता है राइट। देन वी गॉट 3000 फॉर योर PPP एंड वी गॉट 5357 फॉर योर WSD API पार्ट। अगेन पोर्ट्स डिफरेंट मिलेंगे, सर्विसेज डिफरेंट मिलेंगे, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर वहां पर इंस्टॉल्ड हैं। आपके सॉफ्टवेयर आप जब इंस्टॉल करते हो एट द टाइम आपको सिंपल एक पॉपअप मिलता है येस और नो का राइट। उन पॉपअप्स के अकॉर्डिंग ही आपने अगर सिंपल उसको अलाउ कर दिया, येस आई वॉन्ट टू इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर, येस पे आपने अगर क्लिक कर दिया, उस सिंपल येस से आपका जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर खुद को फायरवॉल के अंदर एक्सक्लूड करवा सकता है इजीली, वो जो एक्शन चाहे वहां पे परफॉर्म कर सकता है राइट। तो उस येस और नो के अंदर एक ऑप्शन मिलता है चेक करने का कि हाँ कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है बैकएंड पे। अगर सिंपल यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म करता हूँ, लेट्स गो विद अवर डाउनलोड्स हियर, चेक करते हैं सिंपल इंस्टॉल एक बार, डबल क्लिक ऑप्शन मिल रहा है येस और नो का राइट। यहाँ पर डिटेल्स हमें हमेशा चेक करनी चाहिए, कौन सी फाइल कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पर राइट। हमेशा आपको एक्शन चेक करने चाहिए, उसके बाद ही आपको येस और नो करना चाहिए। अगर मैं सिंपल इसको येस करता हूँ तो मान लो कि जो सॉफ्टवेयर है कोई एक रिमोट कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है सर्वर के साथ राइट, बट वो जो पोर्ट नंबर यूज हो रहा है उस पोर्ट को मेरी फायरवॉल वहाँ पर ब्लॉक कर रही है ठीक है। आपने मान लो कोई रूल कंफिगर किया है फायरवॉल के अंदर कि आप पूरा पर्टिकुलर पोर्ट ब्लॉक करना है, तो आप जैसे ही यहाँ पर यस करोगे वो फायरवॉल का रूल अपने आप मॉडिफाई हो जाएगा, आपका जो पोर्ट यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहता है वो पोर्ट अपने आप वहाँ पर अनेबल हो जाएगा इस सिंपल यस से ही राइट। तो इंस्टॉलेशन के टाइम पर आपके सॉफ्टवेयर अपने आप वहाँ पर फायरवॉल्स के रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो सॉफ्टवेयर भी वही इंस्टॉल करो जो कि आपको पता हो कि हाँ ये ट्रस्टेड है, वरना उनको VMs में यूज करो या फिर आपके प्रॉपर सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के अंदर यूज करो। नाउ अदर देन दिस सिंपल बेसिक रिजल्ट, आपको अगर और डिटेल्ड रिजल्ट चाहिए इसके लिए, देन यू कैन गो विद सिंपल NMAP
हाइफन बी हम यूज करते हैं वर्बोस के लिए कि हमें और ज्यादा डिटेल्ड आउटपुट चाहिए, फॉर दैट पार्ट वी यूज हाइफन बी फॉर वर्बोसिटी। और आपको यहाँ पर एनमैप के अंदर 10 V's यूज करने की परमिशन है, क्या कहते हैं 10 बार वी लिख सकते हो फॉर योर जस्ट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ वर्बोसिटी हियर। मैं इससे पहले लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 times वी यहाँ पर अलाउड है इन योर एनमैप, बट नॉट मोर देन 10, नॉट मोर देन 10, राइट। सो यू कैन सिंपली यूज अ सिंगल वी और यू कैन यूज 3V, 4V, 5, 6, 7, जितना मन के आप यूज कर सकते हो, आपको उसी के अकॉर्डिंग लेवल ऑफ वर्बोसिटी मिलेगी वहां पर, राइट। लेट्स से सिंपल सेम कमांड यूज करता हूँ बट विद ऑप्शन हाइफन वी, एंटर प्रेस करते हैं तो मुझे यहाँ पर इस बार कुछ एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड्स मिल रहे हैं कि आपको ये एक पोर्ट डिस्कवर हुआ है इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे और मुझे सिंपल एट द एंड ये रिजल्ट मिला, राइट। बट हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड्स मिले, लेट्स गिव द सेम ट्राई, एक और ट्राई कर लेते हैं विद द सेम कमांड बट मैं सिंपल वर्बोस को इंक्रीज कर रहा हूँ इस बार, लेट्स गो विद दिस 6 V's हियर, एंटर प्रेस करते हैं, सेम ही चीजें हैं अगेन एंड सिंपल इस पर फॉर द रिजल्ट्स। मुझे यहाँ पर इस बार एक रीजन भी मिला है, ये मुझे एक एक्स्ट्रा कोलन मिला है इस बार विद द नेम रीजन, मुझे ये पोर्ट ओपन स्टेट में मिला है, राइट। बट ओपन स्टेट में क्यों मिला है मुझे, बिकॉज मुझे रिप्लाई के अंदर रिसीव हुआ सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट, मुझे रिप्लाई में मिला है सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट। एंड वी ऑल नो अगर टीसीपी 3 वे हैंडशेक के अंदर हमें सिंपल रिप्लाई में मिलता है सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट, मतलब पोर्ट आपका ओपन स्टेट में है, राइट, आपकी मशीन कनेक्शन को अलाउ करती है वहां पर उस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर। अगर मिलता है सिंपल रीसेट प्लस एक्नोलेजमेंट, मतलब आपकी मशीन कनेक्शन को अलाउ नहीं करती है वहां पर, राइट। एंड यू कैन वेरीफाई द सेम थिंग टू योर वायर शार्क डैशबोर्ड। एक और चीज, एनमैप बाय डिफॉल्ट 1000 कॉमन पोर्ट्स स्कैन करता है, वी ऑल नो दिस थिंग, बट वो 1000 कॉमन पोर्ट्स भी आपके रैंडम ऑर्डर में स्कैन होते हैं हमेशा, ना कि एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, वहां पर हमेशा रैंडम ऑर्डर में पोर्ट स्कैन होते हैं और सिर्फ 1000 कॉमन पोर्ट्स ही स्कैन होते हैं। If you want, you can simply go with the option here, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, you can go with -R. -R हम यूज करते हैं ताकि आप प्रॉपर पोर्ट्स को सीक्वेंस में स्कैन कर पाओ, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रॉपर सीक्वेंस में टेस्ट करने के लिए हम जनरली -R यूज करते हैं। पोर्ट्स के लिए हम -P यूज करते हैं, वर्बोसिटी के लिए हम -V यूज करते हैं। लेट्स से मैं सिंपल पोर्ट्स को ही जगह यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पोर्ट नंबर 1 से लेके 500 तक के पोर्ट स्कैन करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके 1 से लेके 500 तक के पोर्ट स्कैन होंगे फॉर द सेम आईपी एड्रेस 1.11। इससे पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट अवर वायर शार्क, अरेंज करते हैं इसको रिस्टार्ट एंड करते हैं कमांड को एग्जीक्यूट। ओके, मुझे यहाँ पर कुछ पैकेट्स मिलेंगे, फिल्टर क्लियर करते हैं एक बार, एंटर, मुझे कुछ पैकेट्स मिले यहाँ पर, कैप्चरिंग ऑफ करते हैं एक बार के लिए, मुझे और पैकेट्स कैप्चर नहीं करने यहाँ पर, थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं स्क्रीन को, जो एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं उन्हें इरेज कर रहा हूँ, लाइक लेंथ हमारे काम का नहीं है अभी के लिए, टाइम भी हमारे काम का नहीं है अभी के लिए, ठीक है। अगेन यहाँ पर आता हो जैसे आपका सिंपल प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, नॉर्मल TCP, राइट। हमें यहाँ पे 4 कॉलम्स मिलते हैं नॉर्मल, पहला आपका सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, सेकंड वन वाज योर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है वहां पर, देन वी गॉट द प्रोटोकॉल कौन सा यूज हुआ है वहां पर, एंड वी गॉट द इंफॉर्मेशन कि पैकेट के अंदर किस टाइप की इंफॉर्मेशन थी, तो पैकेट किस टाइप का था आपका, राइट। अगेन मुझे तो बेसिक दिख रहा है 49226, कुछ एरो है फिर वहां पर 1 है, ये जो सिंपल नंबर है 49226, दिस वॉज योर सोर्स पोर्ट नंबर। हम जो काली लिनक्स यूज कर रहे हैं वहां से एक पैकेट ट्रांसमिट हुआ फॉर दिस आईपी एड्रेस 1.11 टू द स्पेसिफिक पोर्ट नंबर 1, दिस वाज योर रिमोट पोर्ट नंबर एंड दिस वाज योर सोर्स पोर्ट नंबर, राइट। देन यू कैन वेरीफाई पोर्ट नंबर 1 स्कैन हुआ है, 2 स्कैन हुआ है, 3, 4, 5, 6, और सभी के पास एक कनेक्शन इनिशिएट करने के लिए सिंक रिक्वेस्ट, यू कैन वेरीफाई दिस SYN फ्लैग। आप अगर सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो तब भी यू कैन वेरीफाई दिस थिंग्स हियर, तो फ्लैग्स यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं SYN सिंक फ्लैग, राइट। नाउ एक और चीज, आपको यहाँ पर डिफरेंट फ्लैग्स मिलते हैं बट आपको यहाँ पर जनरली फ्लैग्स की एक हेक्स वैल्यू भी मिलती है, राइट। अब मान लो सिंपल सिंक फ्लैग यूज हो रहा था,
हर एक फ्लैग की एक यूनिक हैक्स वैल्यू है, राइट। अगर सुपर गूगल कर लेगा एक बार, लेट्स गो विद फ्लैग हैक्स वैल्यू, ठीक है। मुझे डिफरेंट ये नहीं, ये टेबल देखते हैं। ऑलराइट, सो अगेन यहाँ पर आपकी हर एक फ्लैग की एक यूनिक हेक्स वैल्यू है वहाँ पर, ठीक है। अब मान लो आपने अगर सिंपल यूज किया सिंक फ्लैग को, तो आपकी हेक्स वैल्यू क्या है वहाँ पर, स्लैश एक्स 002, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन केस आप अगर मान लो मल्टीपल फ्लैग्स यूज कर रहे हो सेम टाइम पर, कि आप सिंक फ्लैग भी यूज कर रहे हो उसके साथ साथ आप एसी के एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भी यूज कर रहे हो, आपकी जो हेक्स वैल्यू आएगी एट द एंड, आपको यहाँ पर जो रिजल्ट मिलने वाला है, ये आपको ये रिजल्ट यहाँ पर इन दोनों का सम मिलेगा। इफ आई एम यूजिंग सिंक एज वेल एज द एक्नॉलेजमेंट, तो सिंक की हैक्स वैल्यू क्या है, स्लैश एक्स 02, तो एसी के की हैक्स वैल्यू क्या है, 0x10। तो अब यहाँ पर सिंपल 10 और 2 को प्लस कर दो, 10 प्लस 2 12, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0x12। दिस वुड बी योर रिजल्ट फॉर योर सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट फ्लैग। वहीं पर अगर मान लो आप यूज करते हो रीसेट प्लस अर्जेंट फ्लैग, मान लो आप URG फ्लैग यूज कर रहे हो, अर्जेंट, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज अर्जेंट फ्लैग, जस्ट गिव मी 5 सेकंड्स। आप मान लो अभी यूज कर रहे हो रीसेट प्लस अर्जेंट फ्लैग, देन रीसेट की वैल्यू क्या है, स्लैश एक्स 04, अर्जेंट की वैल्यू क्या है, स्लैश एक्स 20, 20 प्लस 4 24, राइट, रिजल्ट क्या आएगा, 0x24। दिस वुड बी योर हेक्स वैल्यू फॉर योर फ्लैग्स। तो हेक्स वैल्यू के लिए भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग योर इंटरव्यूज एंड इंक्लूडिंग योर एग्जाम फॉर द CEH, तो ये ही आना चाहिए तो कैसे वैल्यूज काउंट करनी है फॉर योर फ्लैग्स, राइट। नाउ अदर देन दिस पार्ट, दिस फ्लैग्स के अलावा सिंपल एनालाइज द सेम थिंग अगेन, मुझे यहाँ पर एक रिस्पॉन्स मिला है, जो सिंपल आपके रेड पैकेट्स हैं, आपका सिंपल रिस्पॉन्स मिला है आपको फ्रॉम योर IP एड्रेस 111.11 से 111.3, ये 3 हमारा खुद का IP एड्रेस है, 3 वाज द IP एड्रेस फॉर माय काली लिनक्स एंड 111.11 इज द IP एड्रेस फॉर माय विंडोज मशीन, राइट। विंडोज की मशीन से मुझे एक सिंपल रिस्पॉन्स मिला, और रिस्पॉन्स के अंदर मुझे मिला है यहाँ पर रीसेट प्लस एक्नोलेजमेंट, मतलब हमारा वो पर्टिकुलर पोर्ट, फिर हमारी मशीन उस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर 1 के ऊपर कनेक्शन अलाउ नहीं करती वहां पर, राइट, बट रिस्पॉन्स तो मिला है, राइट, मतलब फायरवॉल वहां पर एक्टिव नहीं है, या फिर फायरवॉल इस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए आपके पैकेट्स को ब्लॉक नहीं कर रही वहां पर, राइट। ना भाई कोई माय विंडोज यहाँ चेक करते हैं फायरवॉल को, ले फायरवॉल, यहाँ हमारी फायरवॉल एक्टिव नहीं है, लेट्स एक्टिवेट दैट फायरवॉल, यस। और अब करते हैं दोबारा यहाँ पर मैं सिंपल अगेन पहले करूंगा पिंग, इस बार गो विद पिंग 111.11 DIP एड्रेस हमारी विंडोज मशीन का, एंटर प्रेस करते हैं। अगर आपकी फायरवॉल अनेबल होगी तो आप लिनक्स से विंडोज को पिंग भी नहीं कर सकते, आप विंडोज टू विंडोज पिंग कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं होता वहां पर, बट आप अगर लिनक्स से विंडोज को पिंग कर रहे हो और फायरवॉल एक्टिव है तो वहां पर पिंग भी नहीं कर पाओगे, ये केस भी आता है बहुत बार, तो आप विंडोज से भी पिंग नहीं कर पाते, वो केस भी बनता है, राइट। तो हम यहाँ पे पिंग भी नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ सिंपल NF के ऊपर पोर्ट स्कैन कर लेते हैं, उस पर पोर्ट स्कैन काम कर रहा वहां पर, लेट्स गो विद द पोर्ट स्कैन। और इससे पहले एक और चीज मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ इससे पहले, बिकॉज मुझे रिसेट करना पड़ेगा बाद में, वापस आ जाओ फायर चार्ट के ऊपर एक बार अगेन। मुझे यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स मिले थे टर्मिनल के ऊपर, रिजल्ट्स हैं यहाँ पर कि मेरे ये पर्टिकुलर पोर्ट नंबर 135 और 139 यहाँ पर एक्टिव हैं, मुझे ही रिजल्ट मिला था। चलते हैं वायर चार्ट के ऊपर, और सिंपल आपको रिक्वेस्ट आइडेंटिफाई करनी है फॉर योर पोर्ट नंबर 135 और 139, रोल कर लेते हैं एंड लेट्स आइडेंटिफाई द पोर्ट नंबर 135 हियर, 40, 50, 60, 70, 80 and 90, 100 and we got 135 here. हमें यहाँ मिला 135, राइट। क्या आपका एक सिंपल पैकेट यहाँ पर सेंड हुआ है
एट दिस नंबर 241 राइट, आपको एक सिंपल पैकेट सेंड हुआ विद सिंक रिक्वेस्ट राइट, आपके यहाँ पर सिंपल रिस्पॉन्स मिला है फ्रॉम 111.11 को रिस्पॉन्स मिला है यहाँ से, आपको रिस्पॉन्स में क्या मिला है यहाँ पर सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट राइट, और हमने यहाँ पर सिंपल टीसीपी 3 वे आंसर कंप्लीट करने के लिए हमने सिंपल भावे एक्नोलेजमेंट वापस भेजा है यहाँ पर जस्ट टू कंप्लीट टीसीपी 3 वे हैंडशेक राइट, जस्ट टू कंप्लीट टीसीपी 3 वे हैंडशेक हमने सिंपल यहाँ पर एक्नोलेजमेंट दोबारा भेजा है, बिकॉज हमें रिस्पॉन्स में क्या मिला था सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट, एंड वी ऑल नो अगर रिस्पॉन्स में मिला है सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट मतलब पोर्ट आपका एक्टिव स्टेट है। ऑन द अदर हैंड इफ आई गो विद 139 अगेन सेम टास्क यहाँ पर भी है राइट, तो 139 का पैकेट ये रहा एट नंबर 245 राइट, एंड देन वी गॉट द रिस्पॉन्स एट नंबर 263 हियर, एंड देन वी सिंपली सेंड द एक्नोलेजमेंट एट नंबर 264 हियर। इसके बाद मैं फिर बाद में तो रिसेट पर एक्नोलेजमेंट नहीं मिले है, कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए हमने सिंपल RS के फ्लैग्स यूज किए हैं बाद में ताकि हमें कनेक्शन को टर्मिनेट कर पाएं प्रॉपर्ली, क्योंकि हमें कनेक्शन को अलाइव नहीं रखना वहाँ पर, हमें कनेक्शन को अलाइव नहीं रखना, उसके लिए हमने सिंपल RST प्लस AC के फ्लैग को भी यूज किया है साथ के साथ राइट, ताकि हम प्रॉपर कनेक्शन को टर्मिनेट कर पाए ना। अब कहते हैं इसको एक बार के रीसेट, और अब करते हैं कमांड एग्जीक्यूट यहाँ पर, तो सिंपल करते हैं पोर्ट स्कैनिंग, सेम कमांड एग्जीक्यूट कर लेते हैं यहाँ पर, ये लो मैं सेम कमांड यूज कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सिंपल हाइफन R यूज किया है, हाइफन P यूज किया है 1 to 500 के लिए, हाइफन V यूज किया है वर्बोसिटी के लिए, एंड सिंपल IP एड्रेस है यहाँ पर, एंड लेट्स प्रेस एंटर, पोर्ट स्कैनिंग स्टार्ट हो गई। अब आ जाओ वायर शार्क के ऊपर, अगेन मुझे यहाँ पे बहुत कम पैकेट मिले, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला है यहाँ पर, आपका होस्ट एक्टिव ही नहीं है, होस्ट एक्टिव है यहाँ पर, मेरा होस्ट यहाँ पर एक्टिव है, बट मुझे रिजल्ट में क्या मिला कि आपका होस्ट एक्टिव ही नहीं है, बिकॉज इफ आई गो हियर तो आपको यहाँ पर बेसिक पैकेट मिलेगा लाइक राइट, यहाँ नहीं है कोई दिक्कत नहीं थोड़ा उसको, आपका जब आप एनमैप करते हो, आप जब भी कमांड एग्जीक्यूट करते हो फॉर द एनमैप, एनमैप पहले टेस्ट करते हैं आपकी मशीन अलाइव है या नहीं है राइट, आप पहले चेक करते हो विद द पिंग कि आपकी मशीन वहां पर एक्टिव है या नहीं है, अगर मशीन एक्टिव होगी वहां पर ओनली देन यू विल कंटिन्यू विद द पोर्ट स्कैनिंग, अदरवाइज आप पोर्ट स्कैनिंग को वहीं पर स्टॉप कर देते हो, आप पोर्ट स्कैनिंग के साथ कंटिन्यू नहीं करते वहां पर राइट, आप पोर्ट स्कैनिंग कंटिन्यू तो स्टार्ट ही नहीं करोगे तो, अगर मशीन एक्टिव ही नहीं होगी तो राइट, एनमैप हमेशा पहले चेक करता है कि मशीन एक्टिव है या नहीं है, बट अगेन इन दिस केस हमारी मशीन तो एक्टिव है बट एनमैप को लगा कि मशीन एक्टिव नहीं है, बिकॉज यहाँ पर पिंग के लिए हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमें यहाँ पिंग के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, दैट्स वाई एनमैप विल कंसिडर दैट मशीन एज नॉट एक्टिव राइट ना। इसको बायपास करने के लिए, जस्ट टू बायपास दिस पिंग स्कैन पार्ट, सिंपल हम कमांड कर पाए एनमैप को कि आपको पिंग नहीं करना, आप पिंग मत करो, बाकी सिंपल स्कैन स्टार्ट कर दो, उसके लिए वी जनरली यूज द ऑप्शन हाइफन कैपिटल P एंड स्मॉल N, इसको आप बोलते हो डोंट पिंग स्कैन, इसको आप नॉट पिंग भी बोल सकते हो, N फॉर नॉट, P फॉर पिंग राइट, नॉट पिंग बोलो डोंट पिंग बोलो तुम्हारी मर्जी है, बट वी जनरली यूज दिस पर्टिकुलर हाइफन कैपिटल P स्मॉल N ताकि हम पिंग स्कैन को बाईपास कर पाए यहाँ पर राइट। ऑन द अदर हैंड इसे करते हैं सिंपल रीसेट एक बार के लिए, कंटिन्यू एंड करते हैं कमांड का एग्जीक्यूट, तो अगेन स्कैनिंग 5000 पोर्ट्स, उस पर यहाँ पर पोर्ट स्कैनिंग हुई ही नहीं, पर यहाँ पर पोर्ट स्कैनिंग हुई ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इस बार तो राइट, तो मुझे यहाँ पर बेसिक सिंपल सिंक रिक्वेस्ट दिख रही है राइट, और कुछ सिंपल रीट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट दिख रही है पैकेट्स के लिए, बट यहाँ पर कोई भी आपका रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ है अभी तक, तो यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ है राइट, सिंपल ये TCP पैकेट्स ही हैं आपके, तो कुछ ARP पैकेट्स मान लो, बट यहाँ पर आपको अभी तक कोई भी 1.11 से रिस्पॉन्स नहीं मिला है, ना ही रीसेट प्लस एक्नोलेजमेंट के लिए, ना ही आपका सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट के लिए, एंड बिकॉज आपकी फायरवॉल वहाँ पर काम कर रही है राइट,
फायरवॉल ने सारे पैकेट्स को वहीं बाहर ही ड्रॉप कर दिया। सिंपल, दिस वॉज अ बेसिक फायरवॉल जिसको हमेशा अनेबल मिलती है फॉर योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। नाउ ऑन द अदर हैंड, मैं अगर सिंपल करता हूँ रिजल्ट के साथ, ये थोड़ा टाइम लेने वाला है मे बी, बट वी कैन गिव इट अ ट्राई। 67% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जस्ट वेट फॉर 2 seconds अगेन, 39 seconds पेंडिंग दिखा रहा है, लेट्स वेट फॉर 39 seconds। Right, 91%. हमें रिजल्ट मिले, ऑल 500 स्कैन पोर्ट्स ऑन 1.11 आर फिल्टर्ड। फिल्टर्ड मींस आपको रिप्लाई ही नहीं मिला वहां से, ना ही रीसेट के लिए, ना ही सिंक के लिए। इट मींस वहां पे फायरवॉल आपकी एक्टिव है, और जो कि एक्टिव है भी यहां पर, राइट। नाउ फायरवॉल अगर मिसकॉन्फिगर्ड होगी या फिर एक्टिव नहीं होगी, इन दैट केस यू कैन इजीली स्कैन योर मशीन, राइट। ऑन द अदर हैंड, लेट्स गो विद दिस वन अगेन। इसके बाद सिंपल स्कैनिंग के बाद, इफ यू वांट, अब मैंने बताया था कि आपका एन मैप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिंक फ्लैग्स भी यूज करता है, एस वाई एन फ्लैग्स, राइट। अब आपको सिंपल चेक करना होगा कि फायरवॉल एक्टिव है या नहीं है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप सिंपल पिंग करके देख लो पहले, अगर पिंग का रिप्लाई मिलता है मतलब फायरवॉल एक्टिव है, मतलब अगर पिंग का रिप्लाई मिलता है मतलब फायरवॉल एक्टिव नहीं है, अगर पिंग का रिप्लाई नहीं मिलता है मतलब फायरवॉल वहां पर एक्टिव है प्रॉपर, सिंपल है। तो पिंग के रिप्लाई से भी चेक कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको सिंपल स्पेसिफिकली फायरवॉल चेक करना हो एन मैप की हेल्प से, देन यू कैन गो विद एन मैप हाइफन कैपिटल हाइफन स्मॉलेस्ट एंड कैपिटल ए। हम स्मॉलेस्ट कैपिटल ए यूज करते हैं फॉर आवर एक्नोलेजमेंट फ्लैग्स, कि मुझे स्टार्टिंग में ही यहाँ पर सिंक फ्लैग्स की जगह एक्नोलेजमेंट फ्लैग्स भेजने हैं, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आएगा हमें। वहां से अगर सिंपल स्टार्टिंग में हम एसी के फ्लैग्स भेज रहे हैं, ठीक है, अगर फायरवॉल एक्टिव होगी तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा, अगर फायरवॉल एक्टिव नहीं होगी तो हमें सिंपल आरएस के फ्लैग मिलेगा रिप्लाई में, बट हम वहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे ही नहीं, हम डायरेक्टली वेट करेंगे कि रिप्लाई में क्या आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा, बस इतना देखना है हमें, कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करना हमें इस बार, राइट। तो उसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर एसी के फ्लैग्स को पास करेंगे इंस्टेड ऑफ योर सिंक फ्लैग दिस टाइम। तो करते सिंपल इसको रीसेट और करते हैं कमांड एक्जीक्यूट, लेट्स गो विद 1.11 एंटर, रूट परमिशंस गो विद सुडो हियर एंटर पासवर्ड, और हमारा स्कैन यहाँ पर हो गया स्टार्ट। नाउ अगेन द फ्लैग कौन सा यूज हुआ है, एसी के एक्नोलेजमेंट फ्लैग, राइट। सोर्स पोर्ट नंबर सेम ही है ऑलमोस्ट, लाइक 39212 देन 213 देन अगेन 212 देन अगेन 213, ये दोनों ही स्विच हो रहे हैं, कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो ही नहीं रहा वहाँ पर कहीं पर। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता इन दैट केस वी हैव टू चेंज द पोर्ट, बट ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा तो पोर्ट चेंज करने की जरूरत ही क्या पड़ी फिर हमें, राइट। हम पोर्ट चेंज करेंगे ही नहीं, हम इन्हीं की हेल्प से सारे पोर्ट्स को स्कैन कर लेंगे वहाँ पर, राइट। और हमें यहाँ पे बेसिक मिले 1000 कॉमन पोर्ट्स जो कि रैंडम सीक्वेंस में स्कैन हो रहे हैं यहाँ पर। आपका एक पोर्ट मल्टीपल टाइम स्कैन होता है यहाँ पर, एक और चीज, आपका एन मैप एक पोर्ट को एटलीस्ट 3 बार स्कैन करता है, राइट। ये कम से कम एक बार तो रिप्लाई आए, उसके लिए आपका एन मैप सेम पोर्ट के पास एटलीस्ट 3 बार रिक्वेस्ट भेजता है आपका, राइट। यहाँ पर हमें सिंपल हमारी रिक्वेस्ट दिख रही है, बट अगेन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है हमें यहाँ पर, राइट। सो वी कैन सिंपली से कि आपका जो सिंपल होस्ट मशीन सिंपल टारगेट है वहाँ पर फायरवॉल प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है, राइट, सारे पोर्ट वहाँ पर फिल्टर्ड है। बट ऑन द अदर हैंड मैं अगर सिंपल चेक करता हूँ, यहाँ पर आ जाओ वापस, गो विद द विंडोज हियर और करते हैं एक बार के लिए इसको डिसेबल, लेट्स डिसेबल द फायरवॉल, और फिर फायरवॉल हमारी एक्टिव नहीं है इस बार, ठीक है, चलते हैं काली के साथ, गो विद CMD और दोबारा करते हैं एग्जीक्यूट। CMD में लास्ट में आना पड़ेगा, यहाँ पे इसका कर्सर
कहाँ है, परसों मेरा गायब हो गया है, तो रिसेट कर रहा हूँ मैं एक बार के लिए। लेट्स एग्जीक्यूट द कमांड अगेन। तो अगेन पैकेट जा रहे हैं राइट, फोर पैकेट नंबर, सिंपल पैकेट गया पोर्ट नंबर 443 से। सर मुझे पैकेट का रिप्लाई भी मिला है 443 से, RST फ्लैग के साथ राइट। मुझे रिप्लाई तो मिला, लेकिन अगर रिप्लाई मिलता है मतलब फायरवॉल एक्टिव नहीं है या फिर मिसकॉन्फिगर्ड है, या फिर अगर रिप्लाई नहीं मिलता है मतलब फायरवॉल प्रॉपरली कॉन्फिगर्ड है और एक्टिव भी है राइट। नाउ ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा भी बहुत से स्कैन्स हैं विच यू कैन यूज़ फॉर द डिफरेंट थिंग्स आउट देयर। उनमें से एक आता है आपका, इसको आप बोलते हो स्टेल्थ स्कैन। अब अगर बात करूँ सिंपल स्टेल्थ स्कैन की, तो स्टेल्थ स्कैन में एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, आप सिंपल वहाँ पर आईफोन स्मॉल एस और कैपिटल एस की हेल्प से आप सिंक पैकेट्स को ही सेंड कर रहे हो। अब आप बस सिंपल सिंक पैकेट्स को ही सेंड कर रहे हो बस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका एनएमएप करता भी है, आपका एनएमएप बाय डिफॉल्ट इस स्टेल्थ स्कैन को ही यूज करता है, आपका सिंपल सिंक पैकेट्स ही सेंड होते हैं वहां पर राइट। बट इस पर्टिकुलर ऑप्शन को हाइफन स्मॉल एस और कैपिटल एस को आप बोलते हो स्टेल्थ स्कैन राइट। ऑन द अदर हैंड इफ यू गो विद सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट, आपको सिंपल चेक करना कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वहां पर, उसके लिए यू कैन गो विद हाइफन ओ फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंपल अगर ओएस चेक करना देन यू कैन गो विद हाइफन कैपिटल ओ, नॉट द स्मॉल वन, यू हैव टू गो विद द कैपिटल ओ राइट, एंड देन जस्ट पास योर आईपी एड्रेस। आपको यहाँ पर भी अगेन एक प्रॉपर ओएस तो नहीं मिलता, और आपको एक हिंट जरूर मिल जाता है कि हाँ हमारा इनमें से कोई एक ओएस यूज हो रहा है। सिंपल मान लो विंडोज 8, विंडोज 10, इनमें से आपका कोई एक ओएस वहाँ पर यूज हो रहा है। मेरे पे सिंपल मिला विंडोज 10, बट 10 का एग्जैक्ट वर्जन नहीं मिला इस बात की, मैं सिंपल एक रेंज मिली कि विंडोज 10 यूज कर रहे हो आप ठीक है, लेकिन विंडोज 10 में इनमें से कोई एक वर्जन यूज कर रहे हो फ्रॉम 1709 टू 1909, आप इनके बीच का कोई एक वर्जन यूज कर रहे हो, बट हमें यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं मिला। ऑन द अदर हैंड मैं अगर सिंपल कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ सेम ही तो मैं डिफरेंट टारगेट एट 1.6, तो कि मुझे यहाँ पर भी कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो मुझे यहाँ पर भी सेम ही वैल्यूज मिल गए कि आपको यहाँ पर क्लाइनेक्स यूज कर रहे हो, लिनक्स का वर्जन कौन सा है फ्रॉम योर 2.6.9 टू 2.6.33, आप इसके बीच में कोई एक वर्जन यूज कर रहे हो लिनक्स का, बट यू आर यूजिंग लिनक्स आउट देयर। दिस वॉज अ बेसिक ओएस डिटेक्शन राइट। नाउ अदर देन दैट पार्ट, एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वॉज योर सर्विसेज, दैट वॉज योर सर्विसेज राइट। इन सर्विसेज के प्रॉपर वर्जन भी होते हैं, लाइक द सेम वे हमारे सॉफ्टवेयर के वर्जन होते हैं, ओएस के वर्जन होते हैं, लाइक विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 ओएस के वर्जन होते हैं, सेम तरीके से ही आपके सर्विसेज के भी वर्जन होते हैं राइट। द पॉइंट इज मान लो आप कोई सर्विस का वर्जन यूज कर रहे हो, आप मान लो अभी FTP यूज कर रहे हो, आप FTP का वर्जन यूज कर रहे हो मान लो 2 point something ठीक है, और द लेटेस्ट वर्जन है मान लो कुछ 5 point something आप यूज कर रहे हो 2 point something, लेटेस्ट है 5 point something, तो चांसेस हैं कि जो वर्जन 2 होगा वो किसी भी अटैक के लिए वल्नरेबल हो राइट। अगर आपका वो FTP सर्विस वल्नरेबल है बिकॉज ऑफ योर वर्जन, तो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक पुराना वर्जन यूज कर रहे हो जो कि ऑलरेडी वल्नरेबल है किसी चीज के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ मिसकॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज उसका डिजाइन में ही कुछ फ्लो था मान लो राइट। डिजाइन के फ्लो के कारण अगर किसी सर्विस के अंदर कोई वीकनेस मिलती है आपको, तो यू हैव टू टेस्ट फॉर दैट वीकनेस एज वेल, और वो वीकनेस आपको हमेशा सर्विस वर्जन के अकॉर्डिंग ही आइडेंटिफाई कर पाओगे आप। तो फॉर दैट पार्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सर्विस वर्जन एज वेल। द बेस्ट टेक्निक टू आइडेंटिफाई द सर्विस वर्जन वॉज योर NMAP, जस्ट यूज द ऑप्शन हाइफन स्मॉल एस एंड कैपिटल V टू स्कैन योर सर्विस वर्जन्स। सर्विस के वर्जन स्कैन करने के लिए हम जनरली हाइफन स्मॉल एस कैपिटल वी को यूज करते हैं वहां पर राइट। लेट्स से इफ आई गो विद सिंपल आईपी एड्रेस एज 1.11, तो मुझे यहाँ पे बेसिक ओपन पोर्ट्स भी मिलेंगे और उनकी प्रॉपर सर्विसेज भी मिलेंगी, एंड देन उनके प्रॉपर सर्विस वर्जन भी मिलेंगे राइट। नाउ जस्ट वेट फॉर 2 seconds, आपकी जो सर्विस वर्जन की जो सिंपल टेक्निक है आइडेंटिफाई करने की,
इसके लिए आप कुछ बेसिक डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स की हेल्प लेते हो वहां पर, जस्ट शो द सेम रिजल्ट्स फॉर डिफरेंट मशीन एज वेल। आप यहाँ पर बेसिक स्क्रिप्ट्स को ही यूज कर रहे हो एंड दैट बेसिक स्क्रिप्ट आपकी ऑलरेडी आपको अवेलेबल होती है विद योर एंड मैप। इफ आई सिंपली गो विद माय फायरफॉक्स एंड इफ आई शो यू सिंपल कैटेगरी फॉर योर सिंपल स्क्रिप्ट्स, जस्ट गो विद एंड मैप स्क्रिप्ट कैटेगरी। Let's prove you are one of the humans out there. Okay. आपको यहाँ पर एनमैप के अंदर बाई डिफॉल्ट 604 स्क्रिप्ट मिलती हैं आपकी मशीन के अंदर, राइट, विच यू कैन यूज फॉर डिफरेंट टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। यू कैन यूज दिस स्क्रिप्ट, सिंपल कुछ पहले से लिखे हुए कोड्स ही हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, पहले से लिखा हुआ कोड ही है एंड दैट्स ऑल। But you can use these codes or these scripts to perform different actions. Now, आपको यहाँ पर सभी 604 scripts के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, because ये सभी scripts proper categorized की गई आपकी different categories के अंदर। उनमें से एक category है आपकी default, एक है आपकी DOS, एक है discovery, एक है brute force के लिए brute, एक है simple broadcasting के लिए broadcast, एक simple fuzzer के नाम से भी है, intrusive भी है, malware, safe, version, vulnerable, सभी कैटेगरी आपको मिलती हैं यहाँ पर, राइट। दिस वॉज माई बेसिक डिफॉल्ट कैटेगरी। आपको डिफॉल्ट कैटेगरी की स्क्रिप्ट यहाँ पर लिस्ट आउट है अभी, एंड यू कैन वेरीफाई कि ये स्क्रिप्ट है यहाँ पर, ये सभी स्क्रिप्ट आपकी डिफॉल्ट कैटेगरी के अंदर आती हैं, राइट। तो अगर आपकी सभी स्क्रिप्ट एक साथ एग्जीक्यूट करनी हो, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कैटेगरी नेम। सिर्फ कैटेगरी का नाम याद करना हो, ये सभी स्क्रिप्ट अपने आप वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट एक्शन, राइट। सिंपलेस्ट कमांड क्या है, जस्ट गो विद योर टर्मिनल एंड सर्च हियर फॉर एनमैप, गो विद द ऑप्शन -- स्क्रिप्ट एंड देन पास योर स्क्रिप्ट नेम और यू कैन पास योर स्क्रिप्ट कैटेगरी नेम। कैटेगरी का नाम क्या था, डिफॉल्ट, राइट, एंड देन जस्ट पास योर आईपी एड्रेस एंड दैट्स ऑल। दैट्स ऑल, आपकी वहां पर सभी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होंगी ऑन योर टारगेट मशीन। नाउ ऑन द प्रीवियस टैब हमें यहाँ पर बेसिक रिजल्ट मिले हैं डिफरेंट सर्विसेज के लिए, उसके प्रॉपर डिफरेंट वर्जन्स भी मिले हैं हमें यहाँ पर, राइट। द पॉइंट इज, मान लो कि ये सर्विस प्रॉपरली कंफिगर्ड है, आप इसका फायदा नहीं उठा पा रहे, राइट, आप सर्विस को मिस यूज नहीं कर पा रहे, इन दैट केस यू हैव टू टेस्ट फॉर द वर्जन। हो सकता है वो जो सर्विस है उसके अंदर ही कोई वीकनेस हो, मिसकंफिगर्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सर्विस के अंदर ही वल्नरेबिलिटी हो तो क्या, राइट। अगर सर्वर मिसकंफिगर्ड नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सर्वर ही वल्नरेबल है, सर्वर मान लो कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, सॉफ्टवेयर ही वल्नरेबल है, तो उसके लिए भी टेस्ट करना पड़ता है हमेशा, राइट। नाउ दिस वॉज योर बेसिक सर्विस डिटेक्शन पार्ट। ऑन द अदर हैंड वी गॉट द रिजल्ट फॉर योर डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स, राइट। सो बिकॉज द बेसिक रिजल्ट की जो पोर्ट नंबर 3000 था वहाँ पर आपकी ये पर्टिकुलर एचएसएल सर्टिफिकेट यूज हो रही है, वो इस डेट तक वैलिड थी और इसके बाद वैलिड नहीं रहेगी, राइट, इससे पहले वैलिड नहीं थी और इसके बाद वैलिड नहीं है। सो वी गॉट द बेसिक रिजल्ट फ्रॉम अवर स्क्रिप्ट्स। एंड वन मोर थिंग दिस टाइम यहाँ पर आपकी सिंपल एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई विद द नेम एनबीटी स्टैट, जिसके थ्रू आपको बेसिक डेस्कटॉप का नाम मिला है। आपका जो डेस्कटॉप है सिंपल कंप्यूटर का नेम यूज करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर नेम ये होगा, यूनिक कंप्यूटर नेम फॉर द नेटवर्क पार्ट। आपको यहाँ पर वो यूनिक कंप्यूटर नेम भी मिला है, दैट वाज डेस्कटॉप 6LAASAA। और इफ यू गो विद द प्रॉपर्टीज हियर, लेट्स गो विद प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या चलते हैं, लेकिन यहाँ सेम ही नाम यूज हो रहा है यहाँ पे, राइट। द पॉइंट इज, अब मान लो आपको आप किसी नेटवर्क की टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको फिगर आउट करना है कि इन सभी में से, इन सभी आईपी एड्रेसेस में से मेरे सर्वर की आईपी एड्रेस कौन सा है, राइट। आपको सिंपल चेक कर रहा हूँ कि सब में से सर्वर की आईपी कौन सी है। बेस्ट टेक्निक आपकी यही बचती है कि आप सिंपल उनके नेट बायोस के नेम्स यूज कर लो, राइट, सिंपल उनके नेट बायोस के नेम्स स्कैन कर लो एंड देन विद द नेट बायोस नेम यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द सर्वर। और आप सिंपल पोर्ट स्कैनिंग कर लो, जिस भी मशीन के ऊपर आपका पोर्ट नंबर 80 या फिर आपके सिंपल कॉमन सर्वर के पोर्ट्स एक्टिव मिलेंगे आपको, मतलब वो मशीन आपकी सर्वर है वहां पर, एंड देन
यू कैन टारगेट दैट स्पेसिफिक सर्वर, आप उस सर्वर को टारगेट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग ऑल अदर यूजर्स जो कि नॉर्मली काम कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक हैकर के लिए एक अटैकर के लिए। अटैक आपके सिंपल सर्वर के ऊपर टारगेट करना चाहता है ना कि आपके नॉर्मल यूजर्स के ऊपर, राइट? तो सर्वर को आइडेंटिफाई करेगा और उसको ही टारगेट करेगा। यू कैन परफॉर्म द सेम थिंग्स, आप सर्वर को आइडेंटिफाई करो, सारी टेस्टिंग आपको वहीं परफॉर्म करनी होती है। जनरली आपको इम्पोर्टेंट एसेट्स को ही आइडेंटिफाई करना होता है और उन्हीं को टेस्ट करना होता है हमेशा। ऑन द अदर हैंड, इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म दिस थ्री थिंग्स एट द सेम टाइम, आपको वहाँ पर सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम भी निकालना है, आपको वहाँ पर सिंपल डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स भी एग्जीक्यूट करनी है और साथ के साथ आपको सर्विसेज के वर्जन भी निकालने हैं। आपको अगर ये तीनों काम एक साथ परफॉर्म करने हो, इन दैट केस यू कैन यूज अ पर्टिकुलर स्कैन दैट वॉज योर वी कॉल इट अग्रेसिव स्कैन। एंड राइट बैट विद द स्पेलिंग्स अगेन, इसका बोलते हो अग्रेसिव स्कैन, राइट? सिंपलेस्ट कमांड क्या है, जस्ट गो विद nmap, गो विद हाइफन कैपिटल A, गो विद कैपिटल A एंड जस्ट पास योर IP एड्रेस विद सुडो परमिशन एंड कर दो कमांड को एग्जीक्यूट। सिंपल, दे कॉल इट अग्रेसिव स्कैन, जिसके अंदर आपका OS डिटेक्शन, आपके डिफॉल्ट स्क्रिप्ट डिटेक्शन, आपके डिफॉल्ट स्क्रिप्ट भी वहां पर एग्जीक्यूट होंगे, सर्विसेज आइडेंटिफाई होंगी, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होंगी और आपका OS भी चेक होगा वहां पर, राइट? यू कैन परफॉर्म ऑल दिस टास्क एट द सेम टाइम विद दिस अग्रेसिव स्कैन एंड यू गॉट द बेसिक रिजल्ट्स हियर। और एक और चीज, वहां पर आपकी एक छोटी सी स्क्रिप्ट, छोटी सी कमांड मान लो और एग्जीक्यूट होती है, दैट वॉज योर ट्रेस रूट, राइट? आप सिंपल ट्रेसर के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ट्रेस रूट के थ्रू सिंपल नंबर ऑफ होप्स को ही आइडेंटिफाई करते हो कि मेरा पैकेट पहले M1 से M2 के पास गया, फिर M2 से M3 के पास गया। इस पर्टिकुलर पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए आप ट्रेस रूट का यूज करते हो ताकि आप चेक कर पाओ कि हाँ लास्ट मेरा पैकेट किस मशीन के पास पहुंचा था। मान लो पैकेट आपका डिस्कार्ड हुआ M6 के पास, राइट? आपको लिस्ट में M6 तक का रिजल्ट मिलेगा, आपको एट द एंड M6 तक का रिजल्ट मिलेगा, आपको M7 की तरफ से कोई रिजल्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। इट मीन्स यू कैन से आपका जो पैकेट था वो सिर्फ और सिर्फ M6 तक पहुंचा, उसके बाद पैकेट अपने आप डिस्कार्ड हो गया, राइट? आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ थिंग, वी जनरली यूज अवर ट्रेस रूट ऑप्शन, राइट? अदर देन दिस, हमें सिंपल रिजल्ट मिला है फॉर अवर बेसिक डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स, वी गॉट द नेट बायोस नेम फॉर अवर कंप्यूटर, वी गॉट द सिंपल मैक एड्रेस, वी गॉट द बेसिक SMB सर्विस, SMB2 अगर काम कर रहा है आपका, मैसेजिंग सर्विस आपकी अनेबल्ड है वहां पर, देन वी गॉट बेसिक डेट एंड टाइम एंड वी गॉट सम अदर वैल्यूज एज वेल विद देयर सर्विस वर्जन। प्रॉपर उन सर्विसेज के वर्जन भी मिले हैं, डिफॉल्ट स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हुए हैं और साथ साथ हमें यहाँ पर OS भी मिला है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर योर विंडोज मशीन, राइट? यू कैन परफॉर्म ऑल दिस टास्क एट द सेम टाइम विद योर अग्रेसिव स्कैन्स। अदर देन दिस अग्रेसिव स्कैन, वी हैव सम अदर स्कैन्स एज वेल विच यू कैन यूज फॉर द सेम थिंग। एंड इफ यू रिमेंबर वन थिंग आई फॉरगॉट, कि हमने एक सिंपल फाइल क्रिएट की थी विद द नेम ip.txt, राइट? अब मान लो पास कुछ 1000 या कुछ 500 IP एड्रेसेस हैं, आपको उन सबको टेस्ट करना है सेम टाइम पर, राइट? व्हाट यू विल डू, आप अलग अलग टैब के अंदर कमांड एग्जीक्यूट करोगे? नो, वो इतना इफेक्टिव नहीं है हमारे लिए। बट वी कैन डू इज, अब सिंपल यूज करो nmap एंड देन आप यहाँ पर एक IP पास कर दो। मान लो मेरी जो सबसे लोवेस्ट जो IP मुझे मिला था दैट वॉज माई 5, ठीक है? देन मैं सिंपल एक रेंज दूंगा यहाँ पर कि मुझे 5 से लेके मान लो लाइक 150 तक के सभी IP एड्रेस को स्कैन करना है, इंक्लूडिंग योर 1.5, 1.6, 1.7, 8, 9, 10 अप टू 1.150 तक। आप हर एक IP एड्रेस को स्कैन करोगे वन बाय वन, तब यहाँ पे प्रॉपर रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हो विद योर हाइफन ऑप्शंस हियर, राइट? रेंज के अलावा इफ यू वांट, मान लो कि 2-3 ही मशीन्स हैं, आपको उसको स्कैन करना है, देन यू कैन सिंपली पास मल्टीपल IP एड्रेसेस एज वेल। सिंपली बीच में एक स्पेस देना है, कोई कोमा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल एक स्पेस दो एंड जस्ट पास योर सेकेंड IP एड्रेस एंड दैट्स ऑल, राइट? यू जस्ट गिव
space, then pass another one. Give it a space, then pass another one. You can simply pass multiple IP addresses same way. Right? You can easily scan multiple IP addresses at the same time. And if you want, you can easily scan some IP addresses from the file. A file के अंदर से भी IP addresses को proper pick कर सकते हो. But again, condition क्या है? एक line के अंदर आपका एक ही IP लिखा हुआ होना चाहिए. कोई extra string नहीं, कुछ नहीं. But if you simply go with the text file, just go with the command nmap hyphen, more like capital L. इसको आप बोलते हो input list. इसको आप बोलते हो input list, IL. Right? And just pass your फाइल नेम. फाइल का नाम क्या है? सिंपल ip.txt और करते हैं एंटर प्रेस. इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो भी मेरे आईपी एड्रेसेस होंगे वो सभी आईपी एड्रेसेस चेक होंगे वन बाय वन एंड वी गॉट द बेसिक रिजल्ट्स. राइट नाउ ऑन द अदर हैंड लेट्स जस्ट चेक, हमने कोई कमांड मिस ना कर दी हो. बस यहाँ पर नेटवर्क स्कैनिंग एंड देयर वी गो. So we are done with basic this one. Okay, ek ye rehta hai and theek hai baaki to ho chuka hai. All right. So ek important task hai. Jab bhi aggressive scan execute karta hu, maan lo main same command ke sath use kar raha hu aggressive scan mera. Theek hai? To mujhe yahan par kafi der wait karna padega. Right? कुछ एज आई टोल्ड यू ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं. राइट बट अगर मुझे इसी प्रोसेस को फास्ट करना हो व्हाट आई कैन डू, मैं सिंपल इसको फास्ट करने के लिए एक ऑप्शन यूज करूंगा दैट वाज योर हाइफन टी को आप यूज करते हो. एक पैकेट जो ट्रांसमिशन है, मान लो आपने एक पैकेट सेंड किया, आप कुछ सेकेंड वेट कर रहे हो और फिर आप पैकेट सेंड कर रहे हो. जो टाइम डिले है बीच का, वो टाइम डिले कम या ज़्यादा करने के लिए वी जनरली यूज हाइफन टी. राइट आपको यहाँ पर 6 ऑप्शंस मिल रहे हैं फ्रॉम नंबर 0 टू नंबर 6. उनके ऑफिशियल नेम्स भी हैं. इफ यू गो विद द नेम्स जस्ट गो हियर विद द मैन, गो विद द एंड मैप एंड सिंपल मैं ग्रैब कर रहा हूँ यहाँ पर. लेट्स ग्रैब फॉर स्नेकी एंड दिस आर योर बेसिक नेम्स फॉर योर स्कैन. द फर्स्ट वन वॉज योर पैरानोइड जिसके लिए आप नंबर 0 यूज करते हो. ये आपका स्लोएस्ट स्कैन है आपकी एंड मैप की तरफ से. राइट डिले होगा पैकेट सेंड करने के लिए, वो डिले बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पर अगेन. राइट देन वी गॉट द स्नेकी एट नंबर 1, वी गॉट पोलाइट एट नंबर 2, देन वी गॉट नॉर्मल एट नंबर 3. आपका एंड मैप बाय डिफॉल्ट नंबर 3 के साथ ही काम करता है, बाय डिफॉल्ट आपका नॉर्मल स्कैन ही चलता है वहाँ पर. राइट देन वी गॉट नंबर 4 फॉर आवर अग्रेसिव स्कैन, वी गॉट नंबर 5 फॉर आवर इनसेन स्कैन. राइट इनसेन के अंदर आपका पैकेट डिले है ही नहीं. राइट पैरानोइड के अंदर पैकेट डिले बहुत ज़्यादा है और इनके बीच में कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है. राइट इनसेन में है ही नहीं, पैरानोइड में बहुत ज़्यादा है और इनमें कहीं ना कहीं बीच में है. राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में मान लो, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मान लो इसको. सिंपल एग्जाम्पल दो इसका, लेट्स से मैं यहाँ से ये जो एग्जीक्यूशन था, एग्जीक्यूशन कहीं नहीं ज़्यादा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है. सिंपल होते हैं बादशाह के साथ करते हैं, इसको एक बार रीसेट एंड देन मैं पर एक कमांड यूज करूंगा सिंपल एंड मैप सिंपल यूज कर रहा हूँ 1.11. ठीक है एंटर प्रेस किया, कुछ पैकेट जनरेट हुए. राइट यू कैन सी लाइक 2 to 8 पैकेट्स जनरेट हो चुके हैं ऑलरेडी, लाइक अराउंड 2300 पैकेट्स ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं और मुझे यहाँ पर रिजल्ट भी मिल चुका है. ठीक है नाउ ऑन द अदर हैंड से करते हैं एक बार के लिए रीसेट एंड देन करते हैं सेम कमांड एग्जीक्यूट बट विद द ऑप्शन हाइफन टी एज लेट्स से मैं 0 यूज कर रहा हूँ यहाँ पर. पूरा एंटर प्रेस करते हैं. इस बार मेरे सिर्फ 38 पैकेट अभी तक जनरेट हुए हैं एंड दैट्स ऑल. 42 पैकेट जनरेट हो गए, मोबाइल का 44 हो गए, बहुत अच्छी बात. देन 48 हो गए. ये लो का स्कैन यहाँ पर बहुत स्लो चलता है. राइट का स्कैन यहाँ पर बहुत स्लो चलेगा. अगेन यू कैन इजीली वेरीफाई दिस थिंग्स. राइट सो
आप अगर यूज करते हो हाइफन TH0 तो स्कैन बहुत स्लो चलने वाला है, बट ऑन द अदर हैंड आप अगर यूज करते हो हाइफन TS लाइक समथिंग 4-5 एंड ऑल, तो स्कैन वहीं पर बहुत फास्ट हो जाता है। फिर से मैं सेम ही कमांड यूज कर रहा हूँ, बट यहाँ पे चलते हैं, आई एम गोना यूज द सेम कमांड फॉर एग्रेसिव स्कैन। और एक और चीज़ इससे पहले, इसको रिप्रेजेंट करने से पहले एक और चीज़ मान लो, हम जब भी एंड वी ऑल नो कि हम हमेशा यहाँ पर सिंपल TCP पोर्ट्स को स्कैन करते हैं, राइट? आपको अगर UDP पोर्ट स्कैन करने हो तो दो ऑप्शन मिलते हैं UDP पोर्ट स्कैन करने के। पहला, क्योंकि तो आप सिंपल एक ऑप्शन यूज करो दैट वॉज योर हाइफन स्मॉलेस्ट कैपिटल यू टू स्कैन UDP पोर्ट्स, जस्ट टू स्कैन योर UDP पोर्ट्स वी जनरली यूज स्मॉलेस्ट एंड कैपिटल यू, स्मॉलेस्ट फॉर स्कैनिंग एंड कैपिटल यू फॉर UDP पोर्ट्स, ठीक है? जब सिंपल पास करते हैं 1.11 तो एंटर प्रेस करते हैं, रूट परमिशंस गो विद सुडो हियर एंड गो विद द पासवर्ड, अगेन पैकेट जनरेट हो चुके हैं, पैकेट सेंड हो रहे हैं। द प्रोटोकॉल कौन सा है? UDP प्रोटोकॉल, यहाँ पर इस बार UDP फॉलो हो रहा है, यू कैन वेरीफाई दिस थिंग, राइट? बट अगेन यहाँ पर भी पैकेट्स मेरे बहुत स्लो सेंड हो रहे हैं इस बार तो, बिकॉज ऑफ दैट पार्ट। मेरा ये तो UDP पोर्ट स्कैनिंग है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइट? तो मैं क्या करूँगा, मैं वो सिंपल अग्रेसिव स्कैन भी यूज कर रहा हूँ ताकि मेरे सिंपल स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हो और साथ साथ मैं यहाँ पर UDP पोर्ट्स को भी स्कैन कर रहा हूँ, ठीक है? तो यू कैन इमेजिन बहुत टाइम लगने वाला है, अगेन आई एम श्योर, राइट? इसके साथ अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ हाइफन कैपिटल T और यूज कर रहा हूँ एज नंबर 5 फॉर द इनसेन स्कैन, ताकि मैं फास्टेस्ट स्कैन परफॉर्म कर पाऊँ, उसके लिए आई एम गोना यूज हाइफन TS5 और करते हैं सिंपल इसको एग्जीक्यूट। ऑन द अदर हैंड ये मैं कर रहा हूँ अभी के लिए क्लोज, UDP स्कैन अभी भी यहाँ पर रनिंग स्टेट में ही है और इतनी देर में अभी तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 300 पैकेट्स जनरेट हुए एंड दैट्स ऑल, सिर्फ और सिर्फ 300 पैकेट्स जनरेट हुए यहाँ पर एंड दैट्स ऑल, राइट? ना ये करते हैं क्लोज एक बार के लिए और चलते हैं यहाँ पर वापस, वायरशार्क रिसेट कर रहा हूँ मैं एक बार, कमांड हो गई ये एग्जीक्यूट, रूट परमिशंस एंड गो विद पैकेट्स पर फास्ट है, सेम UDP के लिए ही है पैकेट्स, UDP के ही है बट इस बार फास्ट है पैकेट्स, यू कैन वेरीफाई, लाइक 500 पैकेट्स जनरेट हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट? और अगर मैं UDP को स्कैन ना भी करता तो भी मेरा स्कैन हमेशा फास्ट ही परफॉर्म होता है फॉर द बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन हाइफन कैपिटल T and 5, राइट? आप वहां पर सिर्फ पैकेट डिले को कम कर रहे हो विद दिस ऑप्शन हियर। ऑन द अदर हैंड व्हाट्स लेफ्ट दैट वाज, अब IPv6 अगर स्कैन करते हो देन यू कैन यूज दिस हाइफन सिक्स ऑप्शन फॉर योर IPv6 एड्रेसेस अगेन, राइट? हाइफन स्मॉल एस कैपिटल एस फॉर योर स्टेल्थ स्कैन, सिंक स्कैन भी बोलते हैं इसको बहुत बार, और कैन में बाय डिफॉल्ट इसी को यूज करता है हमेशा। नाउ दिस वन हियर, आपको खुद के कस्टम फ्लैग्स यूज करने हो मान लो, राइट? कि मुझे यहाँ पर मेरे खुद के कस्टम फ्लैग्स यूज करने हैं, उसके लिए व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पर हमेशा एक पर्टिकुलर ऑप्शन यूज करते हो, वी यूज इट हाइफन हाइफन स्कैन फ्लैग्स, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लैग्स का मतलब क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लैग्स हियर, तो हमें यहाँ पे मिलते हैं जनरली 6 फ्लैग्स, राइट? फर्स्ट वन वाज योर सिंक फ्लैग, देन वी गॉट एक्नॉलेजमेंट जिसको हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, देन वी गॉट योर रीसेट फ्लैग, इसको भी हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। कनेक्शन रीसेट करने के लिए वी यूज RST, डेटा पैकेट के एक्नोलेजमेंट के लिए कि हाँ मुझे डेटा रिसीव हो गया आपका, उसके लिए वी यूज अवर ACK एक्नोलेजमेंट फ्लैग। कनेक्शन इनिशिएट करने के लिए या फिर कनेक्शन के लिए तो भी डेटा शेयर हो रहा है अगेन, इन दैट केस वी जनरली यूज SYN सिंक फ्लैग। देन वी हैव द फिनिश फ्लैग, अर्जेंट फ्लैग एंड योर पुश फ्लैग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फिनिश हियर। लेट्स से आप कोई डेटा अपलोड कर रहे हो 5 GB का, ठीक है? डेटा साइज है 5 GB। अब हमें पता है कि पैकेट्स की फॉर्म में ही डेटा शेयर होता है वहां पर हमेशा। लेट्स गो विद कैलकुलेटर हियर फॉर वन। तो अगेन मान लो डेटा साइज था 5 GB, तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ MB के अंदर। MB के अंदर सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं 1024 से, नॉर्मली मुझे रिजल्ट मिला 5120। ये साइज है मेरा मेगा बाइट्स के अंदर,
ठीक है, मैं मेगा बाइट्स की बात कर रहा हूँ अभी तक। देन सिंपल से कन्वर्ट करते हैं मेगा बिट्स, सॉरी किलो बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, के बी में, तो भी मल्टीप्लाई बाय 1024 मुझे रिजल्ट मिला कुछ ये। ये है मेरा डेटा किलो बाइट्स के अंदर। अब मान लो आप कुछ पैकेट्स जनरेट कर रहे हो 64 KB के, राइट? आपके एक पैकेट का साइज है मान लो 64 KB। इन दैट केस सिंपल से डिवाइड करते हैं विद 64 ताकि हम नंबर ऑफ पैकेट आइडेंटिफाई कर पाए। वहां पे हमें रिजल्ट मिला 81920 कि 5 GB डेटा के लिए अगर पैकेट साइज है आपका, यहाँ मान लो डेटा साइज है 5 GB, तो पैकेट साइज कितने बने थे यहाँ पर, मैं भूल गया, 81920 था शायद, राइट? मैं मिले ये कुछ 81920 पैकेट, ठीक है ना। आपके जो पैकेट्स हैं कितने पहुंच गया, राइट? आपके जो पैकेट है 81920, इसका जो लास्ट पैकेट जाएगा, जो लास्ट पैकेट होगा, लाइक जो पैकेट नंबर 81920 जो लास्ट पैकेट होगा, बिल्कुल लास्ट पैकेट, उसके अंदर आपका फिनिश फ्लैग यूज होता है। तो क्या आप स्पेसिफाई कर पाओ कि ये मेरा डेटा ट्रांसमिशन का लास्ट पैकेट है, इसके बाद और डेटा नहीं आ रहा, दिस वॉज द लास्ट डेटा पैकेट, राइट? आफ्टर फिनिश, फिनिश का एक काम और है यहाँ पर, फिनिश फ्लैग के साथ आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि अब डेटा, अब और डेटा नहीं आ रहा, नाउ यू कैन क्लोज योर कनेक्शन, राइट? कनेक्शंस को क्लोज करने के लिए, आफ्टर डेटा शेयरिंग, आफ्टर डेटा शेयरिंग कनेक्शन को क्लोज करने के लिए भी हम फिनिश फ्लैग का यूज करते हैं। एंड जस्ट टू स्पेसिफाई कि डेटा है पर लास्ट पैकेट सही डेटा का, स्पेसिफाई करने के लिए भी हम यहाँ पर FIN फिनिश फ्लैग का यूज करते हैं वहां पर। नाउ आफ्टर योर फिनिश फ्लैग, नाउ लेट्स मूव विद योर URG अर्जेंट फ्लैग के साथ। तो इफ आई गो विद द अर्जेंट फ्लैग, अर्जेंट आप जनरली यूज करते हो प्रायोरिटी सेट करने के लिए, बट स्पेसिफिकली फॉर योर सिस्टम पैकेट्स, स्पेसिफिकली फॉर योर सिस्टम पैकेट, राइट? सेकेंड वन वॉज योर पुश फ्लैग, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हो PSH। इसके दो काम है, ये भी आपका प्रायोरिटी सेट करता है, प्रायोरिटी आप PSH से भी सेट कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली फॉर योर यूजर इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिकली फॉर योर यूजर इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर के लिए। यूजर इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर जनरली PSH फ्लैग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं टू स्पेसिफाई द प्रायोरिटी। और एक और चीज, पुश फ्लैग की प्रायोरिटी हमेशा अर्जेंट से कम रहेगी लेकिन बाकी सभी फ्लैग्स से ज्यादा रहेगी। द पॉइंट इज, अब मान लो एक सिंपल क्यू है, ठीक है, सिंपल लाइन मान लो, ठीक है, मान लो आप सिंपल कहीं मूवी की टिकट लेने गए हो, राइट? आपके आगे लाइन में 10 आदमी और खड़े हैं, आपका 11th नंबर है वहां पर, ठीक है। अब पीछे से कोई आ रहा है बड़ी सी गाड़ी में, गाड़ी से उतरा और सीधा आके आ गया टोकन काउंटर के सामने, राइट? उसको किसी ने नहीं रोका, किसी ने कुछ भी नहीं कहा उसको, वो सिंपल टिकट लेने आया था, टिकट ली और फिर निकल लिया। इट वॉज द VIP पास, VIP पास कि वो सिंपल स्टाफ का बंदा मान लो, कुछ भी मान लो उसको, कि उसके पास VIP पास था, वो सीधा आया, टिकट लिया और निकल लिया। मतलब उन 11 लोगों से पहले उसकी रिक्वेस्ट वहां पर प्रोसेस हुई, 11 लोगों से पहले उसको टिकट मिली वहां पर। दैट वॉज द प्रायोरिटी, दैट वॉज योर प्रायोरिटी, राइट? कि आपके जितनी भी पैकेट्स क्यू में हैं उन सबसे पहले आपका प्रायोरिटाइज पैकेट प्रोसेस होगा, सेम चीज वहां पर है। तो प्रायोरिटाइज करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं आपका पुश PSH फ्लैग और आप यूज करते हो अर्जेंट URG फ्लैग, दोनों सेम ही है ना। अब मान लो कि पुश फ्लैग का एक काम और है, वैसे तो आपने अगर पढ़ा हो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, आई नॉट श्योर आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, भाई गो सिंपल स्लाइडिंग विंडो टेक्निक इसको आप बोलते हो, Highlight this one first. All right. So, if I go with the sliding window technique, अब मान लो कि हम जब भी डेटा शेयर करते हैं, राइट? तो जब कोई मान लो कोई सिंपल फाइल डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, तो हम जब भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो खुद आपने नोटिस भी किया होगा कि किसी वेबसाइट पर स्पीड बहुत ज्यादा मिल रही है और किसी वेबसाइट पर स्पीड बहुत कम मिल रही है। मान लो आप अगर डाउनलोड करते हो गूगल से, आपको स्पीड मिल रही है मान लो कुछ 5 MBPS की, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आप डाउनलोड कर रहे हो मान लो कहीं लाइक कैसे बताऊं, मतलब काली की ऑफिशियल साइट से कुछ डाउनलोड कर रहे हो,
ठीक है, फिर मान लो टूल डाउनलोड कर रहे हैं, आपको अगर स्पीड मिल रही है 200 KB/s, कहाँ 5 MB/s और कहाँ 200 MB/s, राइट। बहुत स्पीड वेरिएशन है, वो स्पीड वेरिएशन आपका PSS फ्लैग के कारण भी होता है, बिकॉज आपकी जो मशीन्स हैं वो एक फिक्स टाइम पर एक फिक्स डेटा को ही रिसीव कर सकती हैं और एक फिक्स डेटा को ही सेंड कर सकती हैं, उनकी भी कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं मशीन्स की भी, राइट। अब मान लो कि जो मशीन है वो एक बार में सिर्फ और सिर्फ 500 packets को सेंड और रिसीव कर सकती है, आपकी मशीन एक बार में 500 packets को सेंड और रिसीव कर सकती है, मान लो 5000 ले लो ये लो, ठीक है, आपकी मशीन के नंबर है ये, लाइक यूजर है यहाँ पर, दिस वॉज योर यूजर। ऑन द अदर हैंड जो मेरा सर्वर है वहां पर, जो भी डेटा शेयर कर रहा है वहां पर, मेरा सर्वर पैकेट सेंड कर सकता है, मान लो कुछ 9 लाख हो गए शायद, हाँ मान लो आपका सर्वर वहां पर 9 lakh packets एक साथ सेंड कर सकता है, राइट, और इतने ही पैकेट को वो रिसीव भी कर सकता है, सेम चीज है। अब मेरा सर्वर वहां पे भेज रहा है मान लो 9 lakh packets/s के अकॉर्डिंग, ये है मेरा सर्वर, मान लो ये है सिंपल P/s ऐसे लिख रहा हूँ पैकेट्स पर सेकंड के लिए, ये यहाँ भी लिख देते हैं ये लोग, लाइक P/s पैकेट्स पर सेकंड। आपका यूजर जो सिस्टम है वो रिसीव कर पा रहा है 5000 packets/s, का सर्वर वहाँ पे सेंड कर सकता है 99 lakh packets/s। द पॉइंट इज आपका सर्वर यहाँ खुद की स्पीड के अकॉर्डिंग पैकेट सेंड नहीं करेगा, नहीं, पहले सर्वर चेक करता है कि आपका यूजर अपने किस स्पीड से पैकेट रिसीव कर सकता है, बिकॉज अगर मान लो इसने यहाँ पर 9 lakh packets/s के अकॉर्डिंग पैकेट सेंड कर दिए, बट यूजर वहाँ पे सिर्फ 9 lakh में से सिर्फ 5000 packet ही उठा पाएगा, बाकी जो बचे 8,95,000 वो सारे पैकेट वहां पर हो गए डिस्कार्ड, राइट। वो सारे पैकेट या तो डिस्कार्ड होंगे फिर सिंपल वो क्यू में पड़े रहेंगे वहां पर, ठीक है। अगर वो क्यू में है तो वहां होगा नेटवर्क कंजेशन, अगर डिस्कार्ड हो गए तो पैकेट लॉस, दोनों में हमारा नुकसान, राइट। उसको प्रिवेंट करने के लिए आपका सर्वर पहले चेक कर जाएगा आपका यूजर किस स्पीड से पैकेट को रिसीव कर सकता है, ठीक है। अब मान लो यूजर की स्पीड है 5000 packets/s, आपका सर्वर यहाँ पर इसी स्पीड से पैकेट को सेंड करेगा, कुछ यूजर 5000 packet ही रिसीव कर सकता है ताकि पैकेट लॉस ना हो, नेटवर्क कंजेशन भी ना हो उसके पास, इस कारण वो यहाँ पर यूजर के अकॉर्डिंग वहां पर पैकेट को सेंड करेगा, राइट। दिस वाज़ द बेसिक स्लाइडिंग विंडो टेक्निक्स, कि आप यहाँ पर उतने ही पैकेट सेंड करते हो जितनी लेंथ है विंडो की, इसको आप बोलते हो विंडो लेंथ, जो नंबर ऑफ पैकेट्स बता रहा हूँ मैं यहाँ पर अभी, इसको आप बोलते हो जनरली विंडो लेंथ, जब कितने पैकेट्स एक साथ रिसीव कर सकते हो फिर सेंड कर सकते हो, इसको आप बोलते हो जनरली विंडो लेंथ, राइट। यूजर के पास विंडो लेंथ कितनी है 5000, बट सर्वर के पास कितनी है 9 lakh, बहुत वेरिएशन है। तो ये चीज अपडेट करने के लिए कि मेरे पास ये लेंथ अवेलेबल है, इस लेंथ में से मान लो आप कहीं और से फाइल डाउनलोड कर रहे हो, अब मान लो आप डाउनलोड कर रहे थे गूगल से भी और काली से भी, अब गूगल से डाउनलोड कर रहे हो, मान लो 5000 में से आपका जो सर्वर था गूगल का, उसमें 5000 में से मान लो सिर्फ यहाँ पर कंज्यूम किया आपका एक बार के लिए, मान लो यहाँ पर सिर्फ कंज्यूम हुआ लाइक 3000, पर गूगल सर्वर मान लो सिर्फ सेंड कर रहा है 3000 packets/s के अकॉर्डिंग, राइट, तो पूरा 5000 कंज्यूम नहीं कर रहा वहाँ पर एक बार के लिए मान लो, ठीक है, बचा कितना सिर्फ 2000, तो जो काली का जो सर्वर होगा वो सिर्फ उस 2000 में से ही यूज करेगा, उसे उस 2000 की लेंथ को ही यूज कर सकता है मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता वो, तो सिंपल कंडीशन मान लो कुछ भी मान लो, आपका हमेशा उस 2000 पैकेट से कम ही पैकेट सेंड होंगे एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर, बिकॉज वहां पर लेंथ आपका जो यूजर है वो उतनी पैकेट रिसीव कर पाएगा, राइट। तो इस पैकेट इस सिंपल विंडो लेंथ को अपडेट करने के लिए भी वहां पर PSH उस फ्लैग को यूज करते हैं वहां पे, राइट। नाउ ऑन द अदर हैंड तो फिनिश फ्लैग हो गया, पुश फ्लैग हो गया और अर्जेंट फ्लैग हो गया, RST हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, कनेक्शन रिसेट करने के लिए सिंक और एक्नॉलेजमेंट को भी हम कवर अप कर चुके हैं। नाउ आपको अगर खुद के फ्लैग्स यूज करने हो वहां पर, राइट, देन व्हाट यू कैन डू, सिंपली गो विद द ऑप्शन लाइक nmap -scan flags यूज करो,
एंड देन सिंपली गो विद योर फ्लैग नेम. आपको सिंपल तीन ही फ्लैग मिलते हैं यहाँ पर, सिंक, एक्नोलेजमेंट एंड योर फिनिश. सिंक के लिए हम जनरली यूज करते हैं SYN, फिनिश के लिए हम यूज करते हैं FIN, और फॉर द एक्नोलेजमेंट फ्लैग वी जनरली यूज ACK. आपको यही तीन फ्लैग्स अवेलेबल होते हैं विद दिस पर्टिकुलर सिंक फ्लैग्स ऑप्शन के साथ. आप इन्हीं में से कोई एक फ्लैग्स को यूज कर पाओगे. आप तीन भी यूज कर सकते हो सेम टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं, आप तीनों को भी यूज कर सकते हो. यू कैन यूज दिस थिंग. आपको कोई एक स्पेसिफाई करना हो, यू कैन स्पेसिफाई सिंगल फ्लैग, यू कैन स्पेसिफाई टू ऑफ देम, यू कैन स्पेसिफाई ऑल द थ्री एट द सेम टाइम. इट्स अगेन योर चॉइस, बट यू हैव टू यूज दिस स्कैन फ्लैग्स ऑप्शन विद द एंड मैप, राइट, एंड विद द सूडो परमिशन. अदरवाइज ये कमांड काम नहीं करेगी. मैं अगर सूडो यूज नहीं करता हूँ, मान लो एक बार के लिए आईपी पास कर रहा हूँ मैं 1.11 मान लो, ठीक है, यहाँ पर दो बार हाइफन्स हैं, और वायर शार्क को करते हैं एक बार के लिए रीसेट. परफेक्ट, करते हैं सिंपल कमांड एग्जीक्यूट, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे. बट मुझे यहाँ पर एक बेसिक एरर मिला, दिस ऑप्शन विल नॉट बी ऑनर्ड विदाउट द नेसेसरी प्रिविलेजेस. मुझे रिजल्ट में मिला, कोई एरर नहीं मिली मुझे एक्स्ट्रा, जो सिंपल रिजल्ट मिला है, बट मेरे फ्लैग्स कौन से यूज हुए वहां पर? नॉर्मल सिंक फ्लैग्स. अब मेरी रिक्वेस्ट नॉर्मल सिंक फ्लैग्स के साथ गई है, ना कि तीनों फ्लैग्स के साथ, राइट. अगर तीनों फ्लैग्स यूज करने सेम टाइम पर, देन यू हैव टू गो विद द रूट परमिशन, गो विद सूडो एंड देन प्रेस एंटर. दिस टाइम अगर कौन से फ्लैग्स यूज हो रहे हैं, फिनिश, सिंक और एक्नोलेजमेंट, राइट, यू कैन यूज ऑल द थ्री फ्लैग्स एट द सेम टाइम, बट यू हैव टू गो विद दिस रूट परमिशन एज वेल. वो भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है. नाउ